नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सब विद्यार्थी मित्रों तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल में। आज आप धोरण 8 हिंदी विषय पाठ नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ना अभ्यास और स्वाध्याय संपूर्ण सोल्यूशन मेळवीशुं। तो तेमां सर्वप्रथम शुरू करिए अभ्यास। तेमां प्रश्न नंबर 1 अ कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तेमां पहलो सवाल है शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, तो तेना जवाब में आवशे शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले उन्होंने उनकी अपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। त्यारबाद बीजो सवाल जोईए। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, तो तेना जवाब में आवशे गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों के उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। त्यारबाद जो है त्रीजो सवाल। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, तो तेना जवाब में आवशे शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी वे विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। त्यारबाद जोईशु प्रश्न नंबर 2। अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो तेना जवाब में आवशे अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। तो फिर मैं पूछूंगा बापूजी सत्य क्या है, तो गांधी जी जवाब देंगे जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है वही सत्य है। तो फिर मैं पूछूंगा बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है, तो गांधी जी जवाब देंगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं पूछूंगा बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला, तो गांधी जी जवाब देंगे मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी, उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा था। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 3। संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। जेमारिया पूछे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सुनील जवाब देंगे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। रिया बोलेंगी गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, सुनील जवाब देंगे गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया सवाल करेंगी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, सुनील जवाब देंगे गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया सवाल करेंगी दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया, सुनील जवाब देंगे दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया सवाल करेंगी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया, तो सुनील जवाब देंगे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया सवाल करेंगी गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया, तो फिर सुनील जवाब देगा गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया सवाल करेंगी गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया, सुनील जवाब देंगे गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। त्यारबाद रिया सवाल करेंगी गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया, सुनील जवाब देंगे गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया सवाल करेंगी, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील जवाब देंगे, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया सवाल करेंगी, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो फिर सुनील जवाब देंगे, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया सवाल करेंगी, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील जवाब देंगे, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जो पेरेग्राफ आपेलो है तेने आपणे शुद्ध भाषा में लखवानो रहेशे, जे कंईक आ मुजब हशे। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक संकरी सड़क है। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर खत्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। त्यारबाद अभ्यास पूर्ण करशुं अने स्वाध्याय शुरू करशुं, जेमां प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमां पहलो सवाल है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो तेना जवाब में आवशे, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। त्यारबाद जो है बीजो सवाल, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो तेना जवाब में आवशे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में भी अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतो द्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। त्यारबाद जो है तीजो सवाल, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो तेना जवाब में आवशे, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। त्यारबाद जो है चौथो सवाल, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो तेना जवाब में आवशे, अलीगढ़ विश्व विद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब जो फकरो आपेलो है तेमां नीचे લીટી करेल शब्दों આપણે શબ્દકોશમાં ગોઠવવાના રહેશે અને તેમનો અર્થ લખવાનો રહેશે, જેમાં કંઈક આ મુજબ છે। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदंध और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब आपणे शब्दने शब्दकोशना क्रममां गोठववाना छे। जेमां पहेलुं छे रीढ़, तो तेनो अर्थ थशे मेरुदंड। अमिट, तो तेनो अर्थ थशे अटल। आधारशिला, तो तेनो अर्थ थशे नींव। खाद, तो तेनो अर्थ थशे जमीन का उपजा उपन बढ़ाने वाला पदार्थ। पल्लवित, तो तेनो अर्थ थशे विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। सौरभ, तो तेनो अर्थ थशे सुगंध। सभ्य, तो तेनो अर्थ थशे शिष्ट। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दकोशना क्रममां गोठववाना रहेशे शब्दोने, जे कंईक आ मुजब हशे। जेमां सौप्रथम छे अटल, त्यारबाद छे जमीन का उपजा उपन बढ़ाने वाला पदार्थ, त्यारबाद छे नींव, त्यारबाद मेरुदंड, विकसित, शिष्ट अने सुगंध। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 3, इस हकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो तेना जवाब में आवशे, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य से प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चिट्टी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्ताने आपणे आगळ वधारवानी रहेशे, जे कंईक आ मुजब हशे। जेमां एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। त्यारबाद जोइए, चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ हो सो रहा था, वहाँ जाकर सभी चींटियों ने शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में चिपसी जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ, तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुसूल किया। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन જોયું, સાંભળ્યું, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।